हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब की दुकान पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा पंच का 5 हिडन फीचर के बारे में वीडियो। तो आपने अभी तक ऐसी बजट फ्रेंडली गाड़ी के ऐसे फीचर देखे ही नहीं होंगे। तो चलिए लगाते हैं चाबी और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल वाला बटन है वहाँ पे गाड़ी की चाबी फेंक के मारिए या चप्पल कुछ भी करें, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अभी हम बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फीचर के बारे में, जो आपने अभी तक बहुत हाई एंड प्रीमियम गाड़ियों में देखी होगी। आप विदाउट इसके रिवर्स गियर को लगाए बिना ही कौन से भी गियर में आप इसका पार्किंग कैमरा चला सकते हो। पहले आप ये अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में जाइए, वहाँ पे होम बटन पे क्लिक कीजिए और थर्ड पेज पे जाइए जहाँ पे आपको मिलेगा ये पार्क असिस्ट। इसको क्लिक करने से आपका पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, आपको रिवर्स गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको काम आएगा हैवी ट्रैफिक में मैन्यूवर करने के लिए, और मेरे जैसे नुबड़े ड्राइवर के लिए तो बहुत काम की चीज़ है। आप अपना टायर का पोजीशन चेक कर सकते हो कि आपका फ्रंट टायर किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं आपको ये फिफ्थ गियर में भी दिखा देता हूँ। तो गाड़ी है फिफ्थ गियर में, और फिफ्थ गियर में भी अपना कैमरा काम कर रहा है। तो अभी बढ़ते हैं हम इसके सेकंड फीचर की ओर, वो है इसका डोर सेंसर। अभी आप में से कोई बोलेगा कि अरे भाई यहाँ तो बतावे छे कि दरवाजा खुल्लो छे तुम्हारो, बट ये दिखा रहा है। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में हम भूल जाते हैं कि हमारा दरवाज़ा ओपन हो है, तब ये फीचर काम आता है। जो आपको दिखाता नहीं हूँ सुनाता हूँ, देखिए। ये देखिए, मैंने ये को पैसेंजर वाला डोर ओपन रखा है। को ड्राइवर डोर ओपन प्लीज चेक। सेम पीछे का डोर भी ओपन होगा तो सेम ऐसे ही आपको बताएगा। लेफ्ट रियर डोर ओपन प्लीज चेक। Right rear door open, please check. मैंने क्या बोला था आपको, मैं सुनाऊंगा बताऊंगा नहीं, तो आपने सुन लिया। अभी बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की ओर। तो अभी हम बढ़ते हैं इसके थर्ड फीचर के बारे में, जो है चाइल्ड लॉक। मैंने अपने आगे के फुल रिव्यू वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो आपको इस तरफ इस बटन को करना है जैसे आपका चाइल्ड लॉक एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि टाटा पंच का एक फीचर है जो मुझे पसंद नहीं आया था स्पेशली, ये डोर हैंडल है वही काम करता है लॉक का। ये दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है। आप इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये डोर हो गया लॉक। अगर मान लीजिए कि पीछे की सीट में बच्चे बैठे हो और वो ऐसे ही खेलते खेलते अगर इसको ऐसे पुल कर दे तो सीधा दरवाज़ा ओपन ही हो जाएगा। लेकिन जब आप ये चाइल्ड लॉक एक्टिव कर दोगे, इसको इस तरफ से प्रेस करने से ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप डोर हैंडल कितना भी खींच ले, दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। उसको ओपन करने के लिए आपको दरवाजे को बाहर से ओपन करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे की सेफ्टी को चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस बटन को ऐसे प्रेस कीजिए, और जो लाइक का बटन है उसको भी ऐसे दबा दीजिए। तो अभी बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की ओर, जो है इसका एंटी थिप मैकेनिज्म जो इसमें इनबिल्ट आता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इस लॉक वाले बटन को प्रेस करना है जिससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई भी आपकी गाड़ी से कुछ छेड़छानी करने की कोशिश करेगा या गाड़ी को अनलॉक करने की कोशिश करेगा तभी यह साले पॉपआउट कर रहा है रे मेरा, अभी चोर मामू घुस भी गया रे, तब गाड़ी कुछ ऐसे चिल्लाएगी बचाओ 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 बचाओ। और इसको बचाओ बचाओ बोलने से बंद करने के लिए आपको कोई भी की प्रेस करनी है जिससे ये बचाओ 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 बोलना बंद कर देगी। सेम ऐसा ही अगर आपने गाड़ी को लॉक कर दिया है और गाड़ी कोई अंदर से भी अनलॉक करना चाहेगा, वैसे ही अगर कोई ऐसे चाबी डालने की ट्राई करे और गाड़ी को ये चाबी रे बिन घुस जानी, तो कैसा लगा आपको ये फीचर? आपकी गाड़ी अभी कोई चोर नहीं चुरा के जा सकता। अगर चुरा ले तो भाई बाद में मुझे ब्लेम मत करना हो, ये गाड़ी चोरी थेगी।
अभी बढ़ते हैं इसके फिफ्थ फीचर बट नॉट लास्ट फीचर। इसमें इसके बटन में, इसके चाबी में आपको एक भी बूट ओपनिंग का बटन नहीं दिया गया है, लेकिन आप जो ये बीच वाला बटन है उसको 5 सेकेंड ऐसे होल्ड करके रखोगे तो आपकी बूट ओपन हो जाएगी। देखिए, एक और छोटे से फीचर के बारे में बता देता हूँ, इसको फीचर तो नहीं बोल सकते लेकिन फीचर ये है, ऐसा ही समझ लीजिए आप। अगर कोई दरवाज़ा आपका ठीक से बंद ना हो और आप गाड़ी को लॉक करने का ट्राई कीजिएगा तो गाड़ी कुछ ऐसे आपको बताएगी टीट करके कि भाई आपका एक कोई भी डोर बंद नहीं हुआ है सही से। जैसे ही आप इसको सही से बंद कर दोगे और लॉक करोगे तो आराम से गाड़ी हो जाएगी लॉक। तो बस आज का वीडियो यहीं तक नहीं, अभी दो फीचर और आपको दिखाने बाकी है। मान लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी कहीं पे पार्किंग, दूर पार्किंग में खड़ी की हुई और आप भूल गए कि कहाँ पे गाड़ी को मैंने पार्क किया, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये दो बटन को सिर्फ 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो कुछ ऐसे गाड़ी चिल्लाएगी और आप अपनी गाड़ी को ढूंढ लीजिए। और जाते जाते मैं आपको एक और बोनस फीचर के बारे में बता देता हूँ जो आपको अपनी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाने में काम आएगा, जो है इसका ऑटो स्टार्ट ऑफ बटन। इसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसका नाम है ऑटो ऑन ऑफ बटन। पहले आप गाड़ी को चालू कर लीजिए, उसके बाद इस बटन को प्रेस कीजिए जिससे यहाँ पे ऑरेंज लाइट जल जाएगी और डैशबोर्ड पे भी यहाँ पे आ जाएगा ऑटो ऑन ऑफ। इस बटन से क्या होगा कि जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके होगे और जैसे ही आप क्लच रिलीज करोगे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और स्टार्ट करने के लिए सिंपल है, आपको सिर्फ क्लच को पुल करना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए तो उनको भी इस फीचर के बारे में पता चलेगा। तो अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। डोंट ट्राई टू ड्रेन माय एनर्जी, द एनिमी इज एवरीथिंग, इट्स मेंटली अनहेल्दी, स्प्रेडिंग